Hi, I'm Manan Shah and you're watching me on Bollywood Spy. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। इस वक्त हमारे स्टूडियो में है एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, मैं कह सकती हूं, क्योंकि बैक टू बैक एक फ्रेंचाइज में बने रहना जैसे कमांडो जैसी, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने म्यूज़िक प्लस अपनी आवाज़ दी है इस फिल्म में और बाकी भी बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे उनसे। पहले उनका स्वागत करते हैं म्यूज़िक कंपोजर एंड सिंगर मनन शाह। मनन, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाय। थैंक यू सो मच। मैं पहले बार तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कमांडो की हर फ्रेंचाइज की, मतलब हर पार्ट के आप पार्ट बने हैं, तो कैसा यू नो फील होता है कि जब आपको आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है और आपको आगे भी फ्यूचर कंसीडर करते हैं? थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। और कमांडो फ्रेंचाइज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फ्रेंचाइज है जी। क्योंकि फर्स्ट फिल्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ, राइट फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, और फर्स्ट फिल्म की पूरी एल्बम मैंने की थी exactly. और सेकंड फिल्म की ऑलमोस्ट सेकंड पूरी एल्बम मैंने की थी। इसमें मैं जुड़ा हूँ विक्रम मॉन्ट्रोस के साथ, जो कि अगेन बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर हैं। और कमांडो फ्रेंचाइज की एक बात है कि एक मेरे लिए एक प्रैक्टिस पैड है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हमेशा कुछ नया सोचने के लिए, नया म्यूजिक देने की, यहाँ पे आप खुल के अपने आप को, हाँ खुल के अपने आप को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। क्योंकि पहली फिल्म ने एस्टेब्लिशमेंट दे दी है, अब दूसरी फिल्म पे और तीसरी फिल्म पे मौका मिलता है कि आप कुछ नया कर सको, और हमेशा से हमने कुछ नई कोशिश की है। इस फिल्म कमांडो फ्रेंचाइज आपको एक फ्रीडम देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक फ्रीडम देता है। और एक्चुअली थैंक्स टू विपुल जी आल्सो, विपुल शाह जो शुरुआत से ही इस फिल्म से मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस कमांडो फ्रेंचाइज पे, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी और एक बहुत क्रिएटिव एक टाइप की फ्रीडम दे रखी है कि आप अपने हिसाब से आप करिए। और कमांडो 3 पे खास तौर पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, इस फिल्म पे मैं खास जुड़ा हूँ मेरे डायरेक्टर आदित्य दत्त की वजह से। आदित्य दत्त की म्यूजिक सेंस वाकई बहुत ज़बरदस्त है। उनकी पहली फिल्में जो पिछली फिल्में आई थी, आशिक बनाया आपने, टेबल नंबर 21, सब हिट साउंड ट्रैक्स और गेम चेंजर्स थे म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। तो इसीलिए मुझे इस फिल्म पर खास यू नो जुड़ना था, और क्योंकि आदित्य दत्त डायरेक्टर हैं तो इस पे हमने भी वापस कुछ नई कोशिश की है, और फिल्म भी चलो कामयाब हुई है इतनी अच्छी, और म्यूजिक भी पसंद किया जा रहा है, तो इट्स अ विन-विन मेरे लिए, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ जी। और इस फिल्म में हमने देखा है कि आप अरिजीत सिंह के साथ भी यू नो काम किए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत जबरदस्त। अरिजीत और मैं दोस्त रहे हैं, 8 साल से हमारी दोस्ती रही है। मैं 2010 में प्रीतम दा को असिस्ट करता था, प्रीतम चक्रवर्ती म्यूजिक डायरेक्टर, तो 2 साल अरिजीत साथ में ही था और हम दोनों साथ में असिस्ट कर रहे थे बिफोर अरिजीत स्टार्टेड सिंगिंग, तो मेरी दोस्ती वहाँ उतनी पुरानी है अरिजीत के साथ। कहीं कहीं ये मुझे थोड़ा सिमिलर भी लग रहे हैं। ये पूरी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 70% से 80% इंडस्ट्री जो जिसने मैं जानता हूँ ये यही कहते हैं कि तू अरिजीत जैसा ही दिखता है, तो ये कोई नई बात नहीं, सिर्फ इतना फर्क है वो थोड़ा शॉर्ट है हाइट में और मैं थोड़ा टॉल हूँ, हाँ बस उतना ही फर्क है, अदरवाइज हम लोग जुड़वा ही लगते हैं। पर ये हाँ अच्छा लगता है ये सुन के, और अरिजीत के साथ जुड़ना भी मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है इस फिल्म पे। और हम लोग देख रहे थे कि कोई अच्छा गाना, हमको पहले से कोलैबोरेट करने की बहुत इच्छा थी। नमस्ते इंग्लैंड पे हम कोलैबोरेट नहीं कर पाए, मैंने उसे बहुत मिस किया, क्योंकि लास्ट ईयर ये इतने शोज में लगा हुआ था, इतने कॉन्सर्ट से तो कल अवेलेबल ही नहीं था, और इस टाइम लकीली अवेलेबल था और मौका हम लोग को मिला जुड़ने का, तो अखियां मिलावांगा से बेटर कॉम्पोजिशन और कुछ हो ही नहीं सकती है मेरे हिसाब से अरिजीत के साथ जुड़ने के लिए। और बात करना चाहूंगी मैं पहले नमस्ते इंग्लैंड की, तो उसमें आपने खुद एक गाना गाया है जिद्दी है दिल के लिए। मुझे कमेंट्स काफी लोगों ने मुझे जिस दिन गाना रिलीज हुआ बहुत लोगों ने मुझे फोन किया जिद्दी है दिल के बारे में, और सभी लोगों का ये एक ही रिएक्शन है कि ये गाना कुछ अलग है, कुछ बात है इस गाने के अंदर जो नॉर्मली यू नो हमारे कमर्शियल गाने होते हैं उससे थोड़ी सी अलग फीलिंग है इस गाने की, और एक अलग टाइप का एक इमोशन है इस गाने में। तो अब ये गाना तो ऐसे ही अपने आप से ही मैंने गा दिया, विपुल जी ने कहा कि तुम ही ये गाना गाओगे, तुम्हारी आवाज़ में एकदम करेक्ट सूट हो रहा है ये, किसी और की आवाज़ में नहीं वर्क करेगा, क्योंकि मेरी आवाज़ की उनको डेप्थ उनको बहुत पसंद आती है, तो उन्होंने इस गाने के लिए स्पेशली मेरी आवाज़ चुनी। और साथ ही में इस गाने के साउंड के बारे में बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन मिला है कि मेरे म्यूजिक अरेंजर और मेरी पूरी म्यूजिक साउंड की जो टीम है, स्पेशली मेरे जो इस गाने के अंदर एक अंतरों में तबला बजता है, तबले से उसकी शुरुआत होती है, तो वो एक डेफिनेट चेंज था और लोगों के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था वही मैं जो कनेक्ट कर गया। बोलना चाहूंगी कि नमस्ते इंग्लैंड की अगर मैं बात करूँ, फिल्म इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई जितना
फिल्म के अंदर का जो सॉन्ग्स है उसमें। हाँ, आई एम डिसअपॉइंटेड कि फिल्म चली नहीं, पर अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कोई फिल्म चलती है, कमांडो चल गई, कमांडो 3 चल गई, तो नमस्ते इंग्लैंड नहीं चल पाई, थोड़ा अफसोस हुआ। पर हाँ, मुझे म्यूजिक एल्बम के लिए बड़ा, आई एम वेरी हैप्पी कि म्यूजिक एल्बम लास्ट ईयर की करीब टॉप 5-6 एल्बम्स में से मानी जाती है, क्योंकि इसके गाने बहुत चले और अब तक चलते हैं। खासतौर पे तेरे लिए हो या धूम धड़क का हो, ये गाने तो बहुत चल पड़े हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एल्बम, म्यूजिक एल्बम इस फिल्म के लिए काम कर रही है। यस, और आजकल की अगर हम फिल्मों की बात करें तो हर फिल्म में मोस्टली, जहाँ तक जब जितनी भी फिल्म आ रही है, कुछ ना कुछ यू नो रीमेक वर्जन आ रहा है, रिक्रिएट कर रहे हैं। तो कभी आपने सोचा है कि कुछ ऐसे रिक्रिएट करना है अपने तरफ से? रिक्रिएशन के लिए मैंने पर्सनली तो नहीं सोचा है। रिक्रिएशन तो चलो ट्रेंड है आज का, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ट्रेंड के अलावा कुछ और नया करूँ। मेरे अंदर एक सर्टन एक टाइप की गिफ्ट है, जो उस गिफ्ट का उपयोग ठीक से करके मैं लोगों को कुछ नया दूँ, कुछ नया म्यूजिक देने की मैं सोचूं। इसलिए मैं ऐसी कोशिश करता हूं, जैसे कि अखिया मिला मांगा है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, लेकिन आज लोग, आज मैं आपको कहता हूं, ऑनलाइन कम से कम 200 से ज़्यादा कवर्स सिर्फ एक हफ्ते के अंदर निकले हैं इस गाने के। और ये इतना डिफिकल्ट गाना भी, इतना मुश्किल गाना भी लोग गा रहे हैं एज अ चैलेंज लेके। तो एक तरीके से तो अच्छा है कि इतनी अच्छी टैलेंट हमने ढूंढ निकाली है। पता चल रहा है 200 लोग नए गा रहे हैं और 200 अच्छी टैलेंट हमको ढूंढने मिली। तो इट्स लाइक इंडियन आइडल और एनी अदर रियलिटी शो के आपको इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स ढूंढने मिले, तो आप कल उठ के इनको अपने गानों में एक मौका दे सकते हैं गाने के लिए। बट अगर स्टिल अगर आपको यू नो रिक्रिएट करना पड़े, तो कोई ऐसा सॉन्ग यू नो है जो? हाँ, अगर मुझे कोई रिक्रिएशन अगर मैं करूँगा, तो पुराने ऐसे ऐसे कुछ गाने हैं जो नहीं चले हैं और बहुत बेहतरीन खूबसूरत गाने हैं, मैं उनको रिक्रिएट करना चाहूंगा और लोगों को नए तरीके से पसंद। ये कुछ नया है, मतलब हाँ, कि है ना, जो नहीं इतने चले, जो नहीं इतने नोटिस हुए, हाँ, पर बहुत ब्यूटीफुल, क्योंकि फिल्में उस जमाने में ऐसा था कि म्यूजिक के दम पर फिल्में चलती थी। तो म्यूजिक अगर फिल्म नहीं चली, कहीं ना कहीं रिक्रिएट करके वही किया जा रहा। हाँ बिल्कुल, और म्यूजिक अगर जो फिल्में नहीं चली है उस जमाने में, तो म्यूजिक भी साथ में बैठ गया, तो कुछ अच्छे अच्छे गाने मिस आउट हो गए लोगों तक पहुंचने के लिए। तो उन गानों को पिकअप करके मैं लोगों को जरूर वापस रिक्रिएट करके मैं उनको सुनाना। अगर आपने ये ट्रेंड चालू किया तो मुझे लगता है दूर तक जाएगा ये ट्रेंड। बिल्कुल, चलो ऊपर वाले का शुक्र है अगर हुआ तो। आउट ऑफ द बॉक्स है। और आपको नहीं लगता कि जब रिक्रिएट आप करते हो एज अ सिंगर, जब आप, अगर मैं आपसे पूछूं, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि कुछ जितने भी रिक्रिएट सॉन्ग्स हैं, रीमेक सॉन्ग्स हैं, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा उनको, मतलब बोलते हैं ना, लटाड़ा जाता है। हाँ, कह हाँ, सकते हैं कि रिक्रिएट करने के लिए। तो हाँ, इस पे आपका क्या टेक है? ये नहीं वर्क करते हैं, क्योंकि ये जो रिक्रिएशंस है उसके जो कुछ रिक्रिएटेड पोर्शंस हैं वो लोग रिकम्पोज करते हैं, और जो मेन, जो गाने के जो मेन जो लाइन होती है, जो हम लोग हुक लाइंस बोलते हैं, या जो रजिस्ट्रेशन वैल्यू जो होती है एक गाने की, वो रिटेन करके एक कुछ अपना नया कंपोज करके वो लोग गाना पूरा रिक्रिएशन से ज़्यादा रिकम्पोज करते हैं और उसको नए तरीके से ट्रीट करते हैं। इसलिए शायद वर्क नहीं करता है, बिकॉज उस गाने का सुर जो है पुराने गाने का, वो उसी म्यूजिक डायरेक्टर को पता था। आप रिक्रिएट करेंगे तो आपका भी उसमें कुछ एड ऑन हो जाएगा, तो ये शायद एक क्योटिक और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है लोगों में कि अरे ये जो कंपोज किया है इस कंपोजर ने, ये कुछ अलग साउंड कर रहा है, और जो ओरिजिनल है वो कुछ अलग साउंड कर रहा है। तो माइट एज वेल आप उसको नया साउंड देके, जो ओरिजिनल कंपोजर की जो ट्यून है उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को रखते हुए आप पूरा उसको रिक्रिएट करें साउंड वाइज, तब ये गाना पॉपुलर होगा। हाँ, ये नया कुछ मुझे सुनने मिला है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी मैं कि जो सारे आजकल रीमेक होते हैं, तो उसमें जो ऑडियंस का होता है, आपको क्या लगता है ऑडियंस का इनपुट क्या होना चाहिए? कि मतलब आप एक्सपेक्टेशन होते हैं ना जब आप सॉन्ग रिक्रिएट करते हो, तो ऑडियंस किस तरीके से यू नो एक्सेप्ट करेगी? कुछ गाने ऑडियंसेस बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन जैसे कि आप देखेंगे आँख मारे वो लड़की आँख मारे, एज इट इज इन वेर इट इज जो गाना था उसको रिक्रिएट करके उन्होंने नए तरीके से यू नो पेश किया जी। तो वो गाना चल गया, क्योंकि ऑडियंसेस को भी एक टेस्ट है। आप यू कांट टेक ऑडियंसेस फ्रॉम, आप होगे ना कि हाँ ये कुछ रहेगा एक्सपेक्टेशन ऑडियंस की तरफ। 100% लोगों को कुछ, और आप कुछ बनाते हो तो आपको विश्वास है कि लोगों को ये पसंद आएगा, वरना आप बनाओगे नहीं सबसे पहली बात तो। जी जी ओके, इंस्पिरेशन कौन है आपका? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं,
मेरे म्यूजिक में मेरे खुद के गुरुजी जो हैं, मेरे स्वयं गुरुजी उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, वो मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। मेरे फर्स्ट गुरु पंडित विनायक पुरा, जिनसे मैं 11 साल ट्रेनिंग लिया है मैंने, वो मेरे एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। अब म्यूजिक डायरेक्टर्स देखें तो मैं प्रीतम दा को बहुत आई लुक अप टू हिम उनके साथ काम करने के बाद। मैं रहमान साहब का म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, यार रहमान का, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, बहुत सारे, मैं तो अनगिनत है म्यूजिक कंपोजर्स। और इंटरनेशनल म्यूजिक में भी मैं बहुत सारे गाने सुनता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स को मैं ज़रूर सुनता हूँ। मुझे सुनने का बड़ा शौक है, गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है। अगर आपकी जर्नी मैं शॉर्ट में पूछूँ, कैसी रही आपकी जर्नी पहले से अब तक? चैलेंजिंग थी, इंटरेस्टिंग भी थी, और अभी भी ऐसी है जैसी पहले थी। अच्छा। तो एक तरीके से हाँ, एक अपवर्ड ट्रेंडिंग जर्नी रही है, कि बहुत नए नए लोग मिले हैं, नया नया सीखने मिला है मेरे लिए। तो एक मेरे लिए सबसे पहली बात तो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डेस्टिनेशन को देखता नहीं हूँ। मैं जर्नी अच्छी हो बस मेरे लिए वो इनाफ है, और नए नए लोग मिले, नए म्यूजिशियंस मिले। अभी भी देखिए मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो इतना बड़ा चल पड़ा है आजकल, इंडी म्यूजिक का पूरा जो इंडिपेंडेंट काफी चैलेंजिंग, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, और फिल्म म्यूजिक से बड़ा हो चुका है आजकल। तो नए नए आर्टिस्टों को भी बहुत मौका मिल रहा है, तो मैं उन्हीं आर्टिस्टों के साथ, नए आर्टिस्टों के साथ साथ देश भर घूम के मैं उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, और कुछ नया लोगों को देने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। और ये भी जानना चाहूंगी मैं कि डेफिनेटली जितने भी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं सबके साथ आप काम करना चाहेंगे, पर कुछ ऐसे जिनके साथ अभी तक आपने काम नहीं किया करना चाहेंगे? फिल्म मेकर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स? म्यूजिक डायरेक्टर्स, तो चलो मैं खुद म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, इसलिए मैं सिर्फ मैं तो अप्रिशिएट कर सकता हूँ एक म्यूजिक डायरेक्टर को, कि मुझे सिंगिंग का शौक है। मैं शंकर एहसान लॉय का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं डेफिनेटली उनके लिए कोई गाना गाना चाहूँगा। मैं शंकर महादेवन साहब का बहुत फैन हूँ, मैं शंकर महादेवन साहब के लिए गाना बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए एक दिन गाना गाए, क्योंकि वो मेरे फेवरेट सिंगर हैं। और फिल्म मेकर? फिल्म मेकर्स तो अगेन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बट स्टिल आई लव द वे इम्तियाज अली मेक्स हिज फिल्म्स। मैं आयान मुखर्जी की भी फिल्म मेकिंग सेंस को बहुत मानता हूँ, बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं वो। मैं राजकुमार संतोषी जी के म्यूजिक सेंस और फिल्म मेकिंग सेंस पे बहुत मैं बहुत मानता हूँ उनको। कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे हैं इनफैक्ट। अच्छा, बॉलीवुड में कोई ऐसा एक्टर, यू नो, एक ड्रीम एक्टर था कि इसको मैं अपनी आवाज़ दूँ, हाँ, इनको, और यू नो इनके लिए म्यूजिक कंपोज करूँ इनकी फिल्मों के लिए, तो कोई ऐसा है एक्टर? एक ही है अभी तो फिलहाल, एक ही मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है ऋतिक रोशन। ओके। मैं मेरे फेवरेट एक्टर हैं वो, पहले से ही, जब से उनकी पहली फिल्म में उन्होंने अपना डेब्यू किया था कहो ना प्यारे से, तो अब तक की उनका जो सफ़र रहा है, मैं उनको लिटरली यू कंप्लीट पैकेज हैं वो एक्टर। वो डांस भी कर सकते हैं, वो संगीत भी, जो म्यूजिक उनकी फिल्मों का म्यूजिक भी अच्छा होता है, वो एक्टिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं। अभी भी देखिए सुपर 30 में उनका कितना अच्छा परफॉर्मेंस था, वॉर में उनकी एंट्री पे लिटरली सीटियां तालियां बजी थी। मैं तो हैरान था कि इतने लोग इतने पागल हैं उनके पीछे, और मोर देन दैट ही इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, ही इज अ ग्रेट परफॉर्मर, एक कम्प्लीट पैकेज है वो। और हमारे इंडस्ट्री में बहुत टाइम से ऐसा कोई कम्प्लीट एक्टर हमको देखने नहीं मिला है जो ऋतिक रोशन, जो क्योंकि वो जो कर सकते हैं आज कोई नहीं कर सकता है, उनकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है। अच्छा, जो ऑडियंस कुछ ऐसे स्ट्रगलर होंगे, यू नो, जो अपने टैलेंट कुछ सिंगिंग ले लीजिए या फिर म्यूजिक कंपोज करना, तो उनके लिए क्या कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे बीइंग इन द इंडस्ट्री? वेल, एडवाइस तो मैं क्या दूँ, पर मैं उनको डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हैं, आप जो काम करते हैं और आप जो कंपोज करते हैं, उस पर इतना मन लगा के, उस पर इतना भरोसा रखें कि आप जो कर रहे हैं उस पर इतना एक कन्विक्शन के साथ करें, तो आप ज़रूर सफलता पाएंगे उसमें, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आपको, आप जो करते हो उस पर उस पर भरोसा होना चाहिए। यू शुड बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग। और कहीं ना कहीं आजकल तो प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं कि आपके टाइम पे मे बी उतना नहीं रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली प्लेटफॉर्म्स भी इतने सारे अवेलेबल हैं, तो मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी की सुने नहीं, यू बिलीव इन योर ओन सेल्फ। आप, क्योंकि आप बिलीव करेंगे और वो जो आप करेंगे उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो अलग लेवल का होगा, वो एक अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन होता है। हालांकि जो सामने आपको जो बोलेगा करने के लिए आप वो फॉलो करेंगे, उसका सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, जाते जाते जाना चाहूंगी मैं, क्या कुछ अपकमिंग है आगे के लिए? मैं कह चुका हूँ, वापस मैं कहूंगा, मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत कर रहा हूँ। अगले साल और 2021 में भी मेरे 8-10 गाने सब मिला के रिलीज हो रहे हैं। मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसकी मैं अनाउंसमेंट जनवरी में करूंगा। तो फिर हम मिलेंगे जनवरी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ओके, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बॉलीवुड के व्यूअर्स देख रहे हैं?
मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मेरे म्यूज़िक को उन्होंने इतना सराहा, इतना इतना प्यार दिया, आज तक प्यार देते आए हैं, राइट फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म टिल टुडे, एंड आई वुड बी थैंकफुल टू देम, ऑल ऑफ देम. और मैं उम्मीद है कि मैं कुछ और नया देते रहूं और लोग मुझे और प्यार दें. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू.